तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग की एक ऐप के बारे में जिसके अंदर एक नया अपडेट आया है, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग की एक सेटिंग के बारे में जिसके अंदर एक नया अपडेट आया है। इस सेटिंग का नाम है मल्टी कंट्रोल, या इस ऐप का नाम है मल्टी कंट्रोल। ये क्या ऐप है, क्या सेटिंग है, कैसे यूज करते हैं और एक्चुअल में कहाँ मिलता है, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग की मल्टी ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के जाना है मेन्यू में, यहाँ जाना है अपडेट्स में। अपडेट्स में जाके देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा। नीचे की तरफ आएंगे आपको यहाँ पर मिल रहा होगा मल्टी कंट्रोल ऐप में एक नया अपडेट यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, जो कि सैमसंग की ही ऐप है। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या चीज़ करती है और क्या काम करती है। जैसा कि यहाँ पर आप देखें इसमें क्या नया ऐड ऑन किया गया है। जब तक आप देख, पहले तो उसको बता दूँ, इसको रोल आउट किया गया है 10 जुलाई 2023 में। इसको अपडेट को रोल आउट किया गया है, जिसका साइज है 8.66 MB का। इंजन वर्जन नंबर इज 1.6.01.21। अब मैं पहले तो कर लेता हूँ इसको अपडेट। यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं। यू कैन ईजिली इनपुट टेक्स्ट ऑन गैलेक्सी टैब विथ गैलेक्सी बुक कीबोर्ड। तो यहाँ पर आप गैलेक्सी टैब में कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कर सकते हैं डायरेक्टली। यू कैन कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट इमेज बिटवीन गैलेक्सी टैब एंड गैलेक्सी बुक। गैलेक्सी बुक और गैलेक्सी टैब के अंदर आप इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इमेज को। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल बिटवीन गैलेक्सी टैब एंड गैलेक्सी बुक, तो आप यहाँ पर फाइल्स को भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद मॉडल्स के हिसाब से कुछ फीचर ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ पर आप लिखा है मल्टी कंट्रोल सेटिंग शुड बी ऑन। इसके लिए आपको मल्टी कंट्रोल सेटिंग को ऑन करना होगा और आपके जितने भी डिवाइस है सब में सैमसंग का एक ही अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएँ, इसके बारे में देखेंगे क्या काम करता है। मल्टी कंट्रोल हेल्प्स लाइक द कर्सर फ्रॉम स्क्रीन टू स्क्रीन कंट्रोल गैलेक्सी टैब गैलेक्सी बुक विथ जस्ट वन कीबोर्ड। जैसे कि आप देखें आपको ये मिलेगा यहाँ पर सेटिंग के अंदर एडवांस में मल्टी कंट्रोल। वहाँ जाएंगे तो आप इसको कुछ ऐसा ऑप्शन मिलता है, आप इसको ऐसा कीबोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ पर गए, यहाँ गए सेटिंग पे, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ जाना आपको कनेक्टेड डिवाइस में, सेटिंग के अंदर कनेक्टेड डिवाइस में जाने के जाना आपको मल्टी कंट्रोल में। मल्टी कंट्रोल पे जाएंगे तो आपको ऐसा ये ऑप्शन मिल जाएगा और आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। Use the keyboard and mouse connected to the one Galaxy device to control all your other Galaxy device and drag and drop file between them. मतलब कि अगर आपका Galaxy Book में या Galaxy Tab के अंदर किसी में भी कोई माउस या कीबोर्ड अटैच है, वो आप अपने तीनों चारों डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये आपके तीनों चारों डिवाइस में यूज़ कर रहा है। टू कनेक्ट डिवाइस नीड टू हैव वाईफाई ब्लूटूथ एंड मल्टी कंट्रोल टर्न ऑन। तो आपको इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना रहेगा, आपके मोबाइल का और वाईफाई ब्लूटूथ और मल्टी कंट्रोल को ऑन करना होगा तीनों डिवाइस में। और गो टू मल्टी कंट्रोल सेटिंग ऑन योर गैलेक्सी बुक और टैबलेट टू कनेक्ट देयर, और आपको अपने एक ही सैमसंग अकाउंट से तीनों में लॉगिन करना होगा। उसके बाद वो अपना काम करना चालू कर देगा और आप इजीली, आप जैसे देख सकते हैं, ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डेटा को कॉपी पेस्ट इजीली कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर आपके पास है गैलेक्सी बुक या गैलेक्सी टैब यूज़ करते हैं तो आप इस फीचर का यूज़ कर पाएंगे और इसको क्विकली इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने क्विक पैनल में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको मल्टी कंट्रोल को टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही आप टर्न ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिकली वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन कर देगा, जिससे आप मल्टी कंट्रोल को यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो थैंक यू।